व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो काफ़ी टाइम के बाद जो है हम लोग एक्ट सिक्स में एंटर कर रहे हैं। एंड मेनली मेरा रीज़न इसके लिए वही है कि रिसेंटली अभी जो साइड इवेंट चल रही थी, तो उसमें हमको जो है पोशन मिले थे, लव पोशन। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि अगर ऐसा कोई भी पोशन टाइप स्पेशल टाइप पोशन रिलीज होता है ना, तो अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं तो जैसे ही वो जो है वो वाला मंथ एंड होने वाला होता है, तो बचे हुए एक्स्ट्रा पोशन को जो है हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं और अपने नॉर्मल पोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम जो है पुराने वाले पोशन जो अभी है हमारे पास, जो लव जूस वाला पोशन है, उसको चेंज करके हम नॉर्मल पोशन में कन्वर्ट कर सकें। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, या तो आपको यूज़ कर लो या तो फिर डिलीट कर लो। तो डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, तो उससे अच्छा यूज ही कर लेते। एंड रिसेंटली मैं जो है सुसाइड मास्टरीज रन कर रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड यूजुअली वैसे भी जो मैं आपको कहीं पर भी कोई भी कंटेंट में जो आपको क्या कहते हैं लव पोशन या फिर कोई भी पोशन यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर यूज़ कर लिया करो ताकि वो ख़त्म हो जाए जल्दी से। एंड यहाँ पर हम आ रहे, ये अभी चल रहा है एक्ट 6.2.4, मतलब जब एक्ट 6 चैप्टर 2 उसमें क्वेस्ट नंबर 4, जहाँ पर जो है यहाँ पर बॉस है ओमेगा रेड है। एंड हर क्वेस्ट में जैसे कि एक ग्लोबल नोड है, तो इस क्वेस्ट में भी एक ग्लोबल नोड है जिसका नाम है इक्रस है। एंड इक्रस नोड काफ़ी अच्छा भी है एंड काफ़ी बुरा भी है। एंड अच्छा इसीलिए क्योंकि अगर आप जितने भी हिट्स करते हो तो उन पर हिट के हिसाब से आपको 10% की एक फ्यूरी मिलती है, एंड जो कि 10 सेकेंड के लिए रहेगी। अगर एक हिट करते हो तो एक फ्यूरी बफ मिलेगा जो कि 10 सेकेंड के लिए रहेगा। एंड अगर आप जो है 10 अटैक्स करते हो तो 10 फ्यूरीज मिलेगी। तो जैसे ही 10 फ्यूरीज मिल जाती है आपको, तो वो एक्सपायर होने की बजाय आपके ऊपर जो है डीजन डैमेज अप्लाई करेगी। एंड मेक श्योर करना कि ये डीजनरेशन वाला डैमेज है। एंड वो क्यों मैं अभी बता ध्यान करने के लिए बोल रहा हूँ, आगे जाके मैं जस्ट ओमेगा रेड वाली फाइट आएगी ना तो पता चलेगा। तो बेसिकली सिर्फ यही चीज़ करनी है कि इक्रस नोड के साथ आपको फ्यूरी बफ मिलेगी। आप दो चीज़ कर सकते हो, उसका डैमेज आप सस्टेन करो एंड अपोनेंट को है काफ़ी जल्दी से किल कर दो, या तो फिर कोई ऐसा चैंपियन ले जाओ जो वो डैमेज है उसको मिटिगेट कर दे, उसको निगलेक्ट कर दे। सो घोस्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है, क्योंकि घोस्ट जैसे फेज वाले पोर्शन फेज जैसे ही उसका ऑन हो जाता है, तो वैसे भी ये डीबफ है, तो फेज ऑन होते ही सारा का सारा डीबफ जो है उसका और फ्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड प्लस फ्यूरी बफ से तो फ्यूरी मिल ही रही है, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड कॉर्वस यहाँ पर अच्छी तरीके से काम इसीलिए करता है क्योंकि कॉर्वस है उसकी अवेकन एबिलिटी चाहिए इसके लिए, क्योंकि कॉर्वस की अवेकन एबिलिटी ऐसी कि जब तक ग्लेव चार्जिंग एक्टिव है तब तक कोई भी प्रकार का जो क्या कहते हैं डैमेज और टाइम डीबफ या तो फिर कोई भी डीबफ से उसकी डेथ नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल उसकी ग्लेव चार्जिंग एक्टिव है तब तक। एंड प्लस मैंने सुसाइड मास्टर लगा के रखी है, तो मेरा डैमेज भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। एंड पता नहीं, मतलब आपने शायद जिस टाइम पर रिलीज़ हुआ था उस टाइम पर यहाँ पर जो है इस वाले पाथ के लिए, जो पाथ अभी मैं कर रहा हूँ उस वाले पाथ के लिए ना स्पीड रन होते थे। लेगेसी ने एक वीडियो बनाया है, तो उसमें उन लोगों ने जो है स्पीड रन रखा था। एंड घोस्ट के साथ एक बंदे ने जो है घोस्ट के साथ स्पीड रन किया था, एक बंदे ने कॉर्वस के साथ किया था, एक ने किलमोंगर के साथ किया था। किलमोंगर भी यहाँ भी अच्छा खासा यूज़ होता है। एंड घोस्ट में यहाँ पर इसीलिए ला नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो है 5-स्टार वॉस्प नहीं है और 5-स्टार हुड नहीं है। एंड बेसिकली जो है उसको घोस्ट को उन दोनों सीनर्जी गारंटी चाहिए, एंड वो मैं ला नहीं सकता एक्ट 6 है, तो फिर तो घोस्ट का ऑप्शन ही चला गया। दैन मेरे पास ऑप्शन था कॉर्वस का, एंड कॉर्वस से जो है काफ़ी सारा मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मेडुसा से जो है हमने उसको ऑटो ब्लॉक करवा के हमने एक प्रेस्टीज चार्ज ले लिया है। देन ये वाली फाइट है, हाँ इसका क्या कहते हैं इसका नाम, इसका छोड़ो जब या नाम नहीं याद, एमा फ्रॉस्ट या इसका। तो एमा फ्रॉस्ट है, एमा फ्रॉस्ट को हम किल करके जो है म्यूटेंट वाला टैग प्रेस्टीज चार्ज ले लेंगे। तो दो प्रेस्टीज चार्ज तो यही मिल गए, तो एक 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 भी प्रेस्टीज चार्ज मिले ना, एक एक प्रेस्टीज चार्ज का आपका जो है डिफरेंस पता चलेगा। एंड यहाँ पर पता नहीं अभी ये जो फाइट स्टार्ट होगी ना मैसेकर के साथ, उधर स्टार्टिंग में एक दो पैरी जो है
पैरी मैं करता हूँ बट मिस हो जाती है वो, मेरे को बाद में पता चलता है कि मैं पैरी कर लिए, पैरी पैरी लिखा हुआ भी आता है बट वो स्टन नहीं होता, पता नहीं क्यों, मतलब शायद एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन की वजह से या किसी चीज़ की वजह से। स्टार्टिंग में पहले जो मैं देखो पैरी वहाँ पर लिखा हुआ भी आया बट वो पैरी स्टन हुआ नहीं। सेम दूसरी चीज़ दूसरी बार भी यही हुआ, पता नहीं क्यों क्या है, ऐसा हुआ बट फिर ध्यान मैंने जो है इतना फिर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी जो है मैं इसको आराम से ख़त्म कर सकता था, मतलब थोड़ी ज़्यादा ध्यान दूंगा तो बेकार में जो है मेरे को रिवाइव यूज़ करना पड़ेगा जो कि अच्छा नहीं है, मतलब रिवाइव तो नहीं यूज़ करना है। एंड देन पाथ तो काफ़ी इजी है, जैसे कि एक स्पेशल नोड आप देख रहे हो कि कोई भी जगह पर स्पेशल नोड नहीं है, यहाँ पर आगे मिस्टर सिनिस्टर पर नोड है तो उसके लिए सेपरेट पार्ट दिया हुआ है, अगर जाना हो तो आप जा सकते हो। एंड मिस्टर सिनिस्टर पर भी नोड जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉर्नर नोड है और बफ है तो ह्यूमन टॉर्च ले जाओ, उसकी प्रीफर्ड एबिलिटी लगा दो तो कॉर्नर नोड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो पैसिव डीबफ है। एंड कॉर्नर नोड जो है सिर्फ डीबफ्स के लिए काम करता है, डैमेज और टाइम डीबफ्स है तो यह पैसिव के लिए काउंट नहीं होगा। एंड देन एबोमिनेशन है तो पॉइजन इम्यून चैंपियन ले जाओ। एंड कॉर्वस को अभी दो चार्ज मिल चुके हैं एंड आगे जाके जो है क्या कहते हैं अपना थॉर है, थॉर है दो फाइट के बाद जो है थॉर है तो वहाँ से उसको थर्ड प्रेस्टीज चार्ज मिल जाएगा तो वो भी एक काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कॉर्वस यूजुअली यहाँ पर अच्छा क्यों है क्योंकि कॉर्वस का जो है गारंटीड क्रिट्स मिलते हैं डेफिनेटली ग्लेव चार्जेस के साथ एंड प्लस इतना सारा अटैक इंक्रीज जो मिल जाता है उसको ग्लोबल नोड से तो काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली ऐसे चैंपियन ले जाओ जिनका बस डैमेज काफ़ी अच्छा हो एंड गारंटीड क्रिट्स हो तो और भी काफ़ी अच्छा है कि आप जो है फाइट काफ़ी जल्दी से ख़त्म कर लो, लिटरली 20 हिट्स के अंदर जो है फाइट ख़त्म हो जाती है। एंड इसी वजह से ना मेरे को 6-star चैंपियन चाहिए, जैसे कि एटलीस्ट दो ह्यूमन टॉर्च हो, एक 6-star वाला एक 5-star वाला, दो कॉर्वस ले हो, एक 5-star है ही, एक 6-star मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, घोस्ट भी मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड वगैरह वगैरह। वैसे लक तो अच्छे खासा कुछ चला नहीं, अभी जो शैटर्ड हार्ट क्रिस्टल खोले, पता नहीं आपने मेरी ओपनिंग देखी है नहीं, है चैनल पर जाके देख लेना, तो वहाँ पर भी जो है अच्छा खासा लिटरली कोई भी 6-star मिला नहीं, 5-star मिले ठीक है, 5-star तो थे, एक दो नए चैंपियन मिले। एंड इसके पहले वाले मंथ में भी कोई जो है 6-star का लक हमको मिला नहीं, जस्ट जो है डायरेक्ट जो हम 6-star ओपन कर सकते हैं वहीं से हमको यूजुअली जो है 6-star मिलते हैं। वैसे तो कोई भी लक नहीं मिला है, एक बार स्टार्टिंग में हुआ था, अगर अभी आप कैवेलियर हो ना तो डेली आपका जो कैलेंडर आता है ना उसमें आपको ग्रैंड मास्टर के क्रिस्टल्स मिलते हैं एंड वो सारे के सारे आप 2000 पूरे एक वीक में जो है 2000 जो शार्ड्स मिलते हैं तो वो कलेक्ट करके आप एक क्रिस्टल बनाओगे तो उसमें चांस है कि आपको 5-star या मिले। तो मेरा जो 5-star थिंग है तो सेकंड मेरा जो था ग्रैंड मास्टर क्रिस्टल, सेकंड एवर ग्रैंड मास्टर क्रिस्टल, तो उसमें से मेरे को 5-star थिंग मिला था तो वो काफ़ी एक लकी मोमेंट था बट उसके बाद तो कभी हुआ ही नहीं। एंड वो भी काफ़ी पहले था जब तक कि मैंने गेम मतलब यूट्यूब करना स्टार्ट भी नहीं किया था। एंड यहाँ पर जो है मैं हील किए बिना ही सीधा फाइट के अंदर चला जाता हूँ एंड और सीनर्जी के बारे में थोड़ा बात करें तो सीनर्जी है जो मैं ये इसलिए आया था क्या कहते हैं अपनी निक फ्यूरी और डेडपूल की, जिससे जो है एक डीबफ मेरे को हट जाएगा मेरे ऊपर से एंड मेरे को थोड़ी बहुत हीलिंग मिलेगी तो उसके लिए लाया था। एंड मेनली कॉर्वस के साथ जो डैमेज डीलिंग वाली डीबस सीनर्जी हो तो वो वाला लाया था, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अगर कॉर्वस यहाँ पर मर भी जाता ना तो मेरे पास दूसरे ऑप्शन थे। एंड यहाँ पर जो है मैं लिटरली जस्ट वो स्पेशल 2 का बटन जो है दबा रहा था बट उसका पता नहीं एक्शन मेरे ऊपर ओवरराइड हो गया तो या कुछ कर नहीं सकते। एंड डॉक्टर डूम के भी काफ़ी अच्छा है, यूजुअली मैं निक फ्यूरी की सीनर्जी अभी इसलिए लाया क्योंकि डॉक्टर डूम को यूज़ करना था। एंड यहाँ पर देखना जो मैं बता रहा था कि जो इक्रस नोड है उसका डीजन डैमेज है एंड अगर ओमेगा रेड जो है डीजन अप्लाई कर देता है तो उसके डेथ स्कोर गिरते नहीं है। मैं अपना जो है यहाँ पर से इक्रस नोड वाले से फ्यूरी हटा दी थी बट फिर भी जो है डीजन डैमेज नहीं हटा था क्योंकि वो डीजन डैमेज का टाइमर काफ़ी बढ़ चुका था एंड लिटरली मेरी हेल्थ एकदम ऐसी रॉकेट जैसी जीरो पर चली गई। तो वही मेरे को ध्यान में आया, मैं सोचा यार इतना सारा डैमेज मैं ले क्यों रहा हूँ, फिर जाके मैंने ध्यान से देखा तो इक्रेस नोड वाला जो है डीजन डैमेज गए एंड जैसे अगर मेरे ऊपर मतलब अपोनेंट के ऊपर
ओमेगा के अपोनेंट के ऊपर अगर डिजनेशन अप्लाइड हो तो जो है उसके डेथ स्पोर गिरते नहीं। एंड इक्रस नोड पता नहीं आपको मैं अभी बताया कि नहीं कि इक्रस नोड पे जो फ्यूरीज मिलती है ना अगर वो एक्सपायर हो जाए ना तो भी जो है डीजनरेशन डैमेज आप लोगे एंड अगर 10 के ऊपर चले जाए तो भी आप डैमेज लोगे। एंड उसको प्रिवेंट करने की सिर्फ एक ही चीज़ है कि जैसे ही आप हैवी अटैक यूज़ करोगे तो जो है सारे की सारी फ्यूरीज चली जाएगी। एंड ऐसा करके जो है हमने अपोनेंट को डिफीट कर दिया। अभी तो काफ़ी अच्छे खासे पोर्शंस है। इसके बाद जो है मैंने आज ही मतलब जिस टाइम ये रिकॉर्ड करा था उसके नेक्स्ट वाले टाइम एक दो घंटे का गैप लेके जो है मैंने एक्ट 6.2.5 भी जो है कंप्लीट कर दिया है, तो उसकी भी वीडियो इसके साथ ही शायद अपलोड कर दूंगा। एंड या इतना सा था ये वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।